हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे भारतीय कृषि। 9 नंबर लेसन है भारतीय कृषि। इसमें अपन ने कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे। दो प्रकार से उपयोग के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे कृषि के रूप इसमें तीन पढ़े थे, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसलें। और दूसरा था पाठ में कृषि विधियों के उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसलें, व्यवसायिक या व्यापारिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। अब अगला है अपना, अब इनका वर्णन पड़ेगी अपन। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। वो होती हैं जो खाने के, जो फसलों से उत्पादन होता है, जो अनाज खाने के काम में आता है उसे खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे इनमें बताया था मैंने, चावल है, गेहूं, एकल धान बताए थे ना, मक्का, बाजरा, विभिन्न प्रकार की दालें, ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं, चना, ठीक है। तो इनमें से मुख्य मुख्य जो फसलें हैं उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे कि वो फसलें किन क्षेत्रों में उत्पादित होती हैं। और किसी भी फसल का अध्ययन करने के लिए उसमें चार पॉइंटों से उसका अध्ययन करेंगे। चार पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे अपन समझ लो चावल का या गेहूँ का अध्ययन करेंगे तो उसमें उसके लिए कितना तापमान की जरूरत होती है, कितनी वर्षा की जरूरत होती है, किस प्रकार की मिट्टी में वह उत्पादित होती है और उसका वितरण कहाँ कहाँ है, ठीक है, किन किन राज्यों में वह उत्पादित होती है, वितरण कहाँ कहाँ है। इन चार पॉइंटों के तहत ही अपन इनका अध्ययन करें, किसी भी फसल का चाहे अपन वर्णन करें। भारत के संदर्भ में अपन को पढ़ना है। अब मैं भारत का मैप बना देती हूँ। इसमें मैं आप एक तो मैप जरूर खरीद लेना, खाली आउटलाइन मैप, जिससे कि आपको उस क्षेत्र का पता लग जाए। थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। इसमें पहला पॉइंट है तापमान, दूसरा है वर्षा, इनका ही अध्ययन अपन को करना है, तीसरा है मिट्टी और चौथा है वितरण, कि कहाँ कहाँ पर इनका वितरण है। अब जैसे अपन सबसे पहली फसल लेते हैं गेहूं, ठीक है, गेहूं, गेहूं पढ़ेंगे अपन। एक बार मैं मैप बना देती हूँ रफली आपका, उसमें उत्पादन में चलो मैं उत्पादन में समझा दूंगी मैं कि कहाँ कहाँ पर यह उत्पादित होता है। अब यह जैसे भारत का मैप बना देते हैं अपन, ठीक है।
10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की किसको जरूरत होती है, और वर्षा कितनी होनी चाहिए इसमें 25 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। अब ये है कि बोते समय, अब ये गेहूं की फसल, कल भी मैंने तुम्हें बताया था गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है। एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। कल मैंने रबी की फसल में बताया था ना कि सर्दियों में, अब बोते समय इसको कम तापमान की, और फिर इसका जैसे जब काटते हैं पकता है तब इसको उच्च तापमान की जरूरत होती है, क्योंकि ये कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में ये काटा जाता है, ठीक है ना, नवंबर दिसंबर। कल आपने पढ़ा था ना, अब ये दो चीजें हो गई, आप इसमें यही वर्णन लिखना है कि गेहूं की फसल के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की जरूरत होती है, यह रबी की फसल है, सर्दियों में शीतकाल में ये बोई जाती है और फिर बसंत काल में इसको काटा जाता है, या आप यूं बोल सकते हो कि अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसको बोते समय कम तापमान, और फिर इसको जैसे जब पकता है गेहूं तो अधिक तापमान की जरूरत रहती है। अब ये दो चीजें हो गई, गेहूं की फसल रबी की फसल है, रबी की फसल है ना ये जो शीतकाल में बोई जाती है और बसंत काल में। अब वर्षा कितनी चाहिए इसको, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, और कई बार इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर इसको उगाया जाता है तो वहां पर इसकी सिंचाई की जाती है। आप ये लाइन अगर आप इस इन पॉइंटों के थ्रू समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन में आप पढ़ सकते हो। अब मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, मैंने बताया था तुम्हें, वैसे तो इसमें हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की जरूरत रहती है, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी की यह फसल इसमें चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अब इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, वितरण कहाँ कहाँ है इसका, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, तापमान में 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, इसको बोते समय कम तापमान और काटते समय अधिक तापमान की जरूरत, या पकते समय अधिक तापमान की जरूरत रहती है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा ही चाहिए, नहीं तो इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी व चिकनी मिट्टी में यह अधिक उत्पादित होता है। वितरण में देखो, सबसे मैंने बताया उत्तरी भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। अपने भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, फिर पंजाब, हरियाणा, ये तीनों जो राज्य हैं ये लगभग 75% गेहूं का उत्पादन करते हैं, और 25% किन किन में पाया जाता है, 75% को इनमें पाया जाता है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, इनके अलावा है 25% पाया जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में, फिर कुछ जैसे मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, मध्य प्रदेश, बिहार और कुछ बार राजस्थान में, ठीक है। अब आ गए समझ में कि आपके सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा में, और इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी गेहूं उत्पादन किया जाता है, आप ये कह सकते हो। अब ये क्षेत्र याद हो गए होंगे आपके, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ठीक है। अब इसके बाद ये आता है कि गेहूं का इतना अधिक उत्पादन होता है, गेहूं का यह विश्व में गेहूं का भारत का गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है, तो पहले और दूसरे स्थान में कौन से हैं, चीन और यूएसए, पहले और दूसरे स्थान में कौन से हैं, चीन और
अमेरिका। पहले स्थान पे तो गया चीन, आपको ये भी ध्यान रखना है चीन, फिर अमेरिका, अमेरिका और फिर तीसरा नंबर है भारत गेहूं के उत्पादन में। अब आपको ये चार चीजें याद रखनी है। तापमान कितना होना चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। बोते समय इसको कम तापमान की और पकते समय इसको अधिक तापमान की जरूरत रहती है। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा किया जाता है। मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? हल्की दोमट या चिकनी मिट्टी में यह अच्छी तरह से उत्पादित होता है। वितरण कहाँ कहाँ यह उत्पादन किया जाता है इसका? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में। अब अपने मैप में कहाँ है? अपन जैसे गेहूं का वितरण देखें मैप में, तो मैप में कहाँ है आपको ये भरने हैं मैप में। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये इधर, ठीक है, गेहूं का उत्पादन है ये। या आप यूट्रोस लगा सकते हो, ऐसे कोई भी साइन बना के आप ये कर सकते हो। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी होता है ये इधर, ठीक है ना, बिहार में ये इधर, ठीक है, और कुछ प्रदेश या मध्य प्रदेश से रखता हुआ ये। जैसे राजस्थान के कौन से जिलों में होता है गेहूं का उत्पादन? गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो उत्तरी जिले हैं ना, इनमें अधिक उत्पादन यहाँ होता है। तो गेहूं का उत्पादन देखो अपने दर्शा दिया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग में, मैदानी क्षेत्र में होता है। अब आपके गेहूं का उत्पादन में मेरे ख्याल से कोई शिकायत, कोई समस्या नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा आपके कि गेहूं का उत्पादन। अब आप कंपैरिजन करके हर का मैप भी आपको भरना है, अलग अलग साइन चाहे बना देना, ठीक है। अब अपन इसके आगे है दूसरी फसल है अपनी चावल। तो चावल में भी है जीटी जी, यही पॉइंट पढ़ने हैं, उनके क्षेत्र अलग अलग हो जाएंगे। देखो चावल, अब मैंने तुम्हें कल बताया था कि चावल कौन सी फसल में आएगी, रबी फसल में आएगी कि खरीफ फसल में आएगी। तो मैंने कल ही बताया था तुम्हें कि खरीफ की फसल में, मुख्यतः खरीफ की फसल में आती है खरीफ, ठीक है ना। गेहूं कौन सी फसल थी? रबी की फसल, ये कल प्रकार बताए थे मैंने, और ये चावल है खरीफ की फसल की है। अब इसमें देखो गर्मियों में यह बोई जाती है मई जून में, कल अपने पढ़ा था, और मतलब मानसून के आने के बाद मानसून में यह बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह काट ली जाती है, ठीक है, खरीफ फसल। अब इसके लिए तापमान, अब गर्मियों में बोई जाती है तो आपको यह ध्यान होना चाहिए गर्मी और सर्दियों का, कि गर्मियों में तापमान अधिक रहता है तो इसके लिए तापमान की भी अधिक जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत रहती है इसमें। फिर चावल आपको पता ही है कि मैदानी क्षेत्र में चावल में पानी भरना पड़ता है तो वर्षा की भी अधिक जरूरत रहती है। गेहूं में अपन ने पढ़ा कितनी वर्षा की जरूरत थी, 25 से 75, इसमें है 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में यह की जाती है। आ गया इतना समझ में? खरीफ की फसल है, खरीफ का मतलब है यह गर्मियों में मानसून के समय में बोई जाती है और सर्दी में यह अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अब गर्मियों की फसल है तो तापमान भी अधिक होगा, आपको पता ही ना गर्मियों में तापमान अधिक होता है, तो तापमान कितना? 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होना चाहिए इसमें। अब वर्षा, वर्षा चावल में पानी भरना पड़ता है तो वर्षा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही या पानी की अधिक जरूरत होती है इस फसल को, तो 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता होती है। अब मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि पानी ज्यादा दिनों तक सूखा न रहे? इसमें भी नदी घाटी क्षेत्रों की चिकनी दोमट और क्षारीय मिट्टी,
नदी घाटी वाले क्षेत्रों में ही आते हैं क्योंकि इसमें पानी भरना पड़ता है। नदी घाटी में, नदी घाटियों में, घाटी में चिकनी कछारी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक रुकता है ना, चिकनी कछारी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। और चिकनी दोमट व कछारी, ये मिट्टियों के प्रकार हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें चिकनी दोमट मिट्टी व कछारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अब इसका वितरण किन किन क्षेत्रों में है, देखो जहां पर यह सबसे अधिक होती है, इसमें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। देखो यह क्योंकि इसमें नदी घाटियों में बताया ना मैंने, तो इसमें पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में यह सबसे अधिक उत्पादन, गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, चावल का, चावल का किया जाता है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके बाद है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में, बिहार, इनमें इसका चावल का उत्पादन अधिक होता है। तमिलनाडु तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु। अब मैप में इसे एक और इसमें मुख्य बात है, ये तो इसका वितरण हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। अब एक और बात है, इसकी तीन किस्में बताई है चावल की मुख्य, ये भी कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। मौसम के अनुसार वैसे जो चावल है वो पूरी साल ही भारत में मौसम के अनुसार तीन फसलें ली जाती हैं चावल की, अमन, ओस और बोर, तीन फसलें ली जाती हैं, क्या नाम है उनका, अमन और बोर। अब यह ऋतु के अनुसार इनको तीन भागों में बांटा है, अमन ये क्या है, इसकी चावल की किस्में, चावल की किस्में हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में होती है ना चावल की, वो है, इनके नाम है अमन, ओस और बोर। अब अमन तो मानसून काल की है, देखो कौन कौन से में, ये तो गर्मियों की, जो ये फसल अभी बताई थी खरीफ की चावल की, अमन वो है बात की, जो कि ग्रीष्मकाल में, गर्मियों में, ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। अब ग्रीष्मकाल में अमन ज्यादा बोई जाती है, भारत में भी अमन जो नस्ल है उसी किस्म है, उसी का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकाल, शीतकाल में और बोई जाती है और वो बसंत काल में, ठीक है, ये तीनों किस्में भी याद रखने हैं आपको। या आप यूं भी कह सकते हो इसको, ये मानसून काल, अभी मैंने बताया था ना मानसून काल में ये हो जाती है, मानसून काल में, मानसून काल, और फिर ये बसंत की बजाय बदली का गई इसमें ग्रीष्म काल, ग्रीष्मकाल में जो बोर हो जाती है। अब याद हो गया अमन मानसून काल में जो सबसे अधिक भारत में उत्पादित होती है, और शीतकाल में और बोर ग्रीष्मकाल में, ठीक है। इसके बाद है अब चावल का उत्पादन राजस्थान में भी, आपको राजस्थान और भारत का साथ साथ करना है, इसमें देखो राजस्थान में कुछ जिलों में होता है जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी में सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। अब एक और बात मैंने उसमें भी बताई थी कि
है विश्व में। गेहूं का तीसरा स्थान था और चावल का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है भारत का, भारत का चावल के उत्पादन में, ठीक है। अब पहला स्थान किसका है? चीन का। पहला स्थान है चीन का और दूसरा भारत का, जबकि गेहूं उत्पादन में पहला स्थान चीन का था, दूसरा अमेरिका का और तीसरा भारत का। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसकी मुख्य मुख्य ये चीजें, ये खरीफ की फसल है, इसमें तापमान 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, वर्षा 75 से 200 अधिक वर्षा की जरूरत होती है, सेंटीमीटर होनी चाहिए मिट्टी, नदी घाटियों में चिकनी दोमट और कछारी मिट्टी होनी चाहिए। किन किन क्षेत्रों में होता है अब इसके एक बार ये मैं फल और देती हूँ मैप में। इधर है ये पश्चिम बंगाल, इधर देखिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इसके नीचे ये, इधर है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी ये नदी घाटियों में ये होता है, उड़ीसा में भी होता है ये, इधर बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, तमिलनाडु, ठीक है। इधर इधर इनका उत्पादन, चावल का उत्पादन किया जाता है। आपके लर्न हो गए होगा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अगला है अपना, इसमें देखो ये तुम्हें सारी जो खाद्यान्न फसलों का अपन वर्णन पढ़ेंगे उनमें आपको मैप में जरूर शो करनी है, जिससे कि आपको मैप भरना, एक तो सबसे पहले आप भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी स्थिति आपको सही पता होना चाहिए, उनको आप एक बार भर के देख लें आउटलाइन मैप में कि कहाँ कौन सा राज्य है, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब इसमें फसलों में आपको कंपैरिजन करके, जैसे चावल का और गेहूं का आपन ने वर्णन पढ़ा है, इसमें चावल के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की जरूरत है, जबकि आपन ने गेहूं के लिए कितना पढ़ा था, गेहूं के लिए कम तापमान था इसमें 10 से 25 डिग्री पड़ा था अपन, ठीक है। अब है वर्षा, वर्षा में 25 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, जबकि अपन ने गेहूं में कम वर्षा की जरूरत होती है उसमें ना 25 से 75 सेंटीमीटर। अब यह नदी घाटी चिकनी दोमट मिट्टी, उसमें भी चिकनी दोमट मिट्टी गेहूं में भी थी, वितरण पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा कहां उत्पादन किया जाता है, भारत में पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान के भी कुछ जिले मैंने बताए थे, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, इनमें सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अपन ने ये मैप में भी भर लिए, चावल की तीन किस्में बताई है मैंने, कौन कौन सी, ओस, अमन ओस और बोरो। अमन है वो मानसूनी कालीन किस्म है, मानसून में बोई जाती है, ओस है वो शीतकाल में और बोरो ग्रीष्मकाल में। अब इसका विश्व में कौन सा स्थान है उत्पादन में भारत का, चावल का तो है दूसरा स्थान और गेहूं का है तीसरा स्थान। अब पहले स्थान पे कौन है, चीन, चावल और गेहूं दोनों में चीन है। दूसरे स्थान पे चावल में तो है भारत, और गेहूं में मैंने बताया था ना अभी, गेहूं में कौन है, अमेरिका, गेहूं में इसका तीसरा स्थान है, ठीक है। अब ये मुख्य मुख्य बातें थी, इनमें इन पॉइंटों के द्वारा आप चारों पॉइंटों के द्वारा पढ़ोगे। अब अपन कल इसमें पढ़ेंगे आगे जो दे रखी हैं।